हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बड़ी। तो देखिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये इग्नू की वेबसाइट है, जहाँ पर जब मैंने ये ओपन की तो यहाँ पर इस तरह से वेबसाइट इज रनिंग स्लो बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक, इस तरह से एक मैसेज आ रहा है। तो इस तरह का मैसेज बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास आ रहा होगा जब वो अपना रिजल्ट ओपन करने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि आज इग्नू की तरफ से आपका जो जून 2023 है उसका रिजल्ट अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 अक्टूबर का यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट देख रहे होंगे, तो उस वजह से सर्वर पर लोड के कारण इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही स्टूडेंट एक साथ आ गए, तो अब तो वेबसाइट ही क्रैश हो गई है। तो आप अगर रिजल्ट चेक कर रहे हो, अगर आपका रिजल्ट चेक नहीं हो रहा है, अगर वेबसाइट ओपन भी हो गई है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो क्या प्रॉब्लम आ सकती है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर आपका रिजल्ट यहाँ पर इस तरह से पोर्टल ओपन हो गया है, लेकिन आपने जब अपना रिजल्ट का जो अपने जो एनरोलमेंट नंबर है वो डाला है, लेकिन आपका रिजल्ट अभी भी शो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं आया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वेबसाइट में प्रॉब्लम है। तो आप जो है अपना जो रिजल्ट है उसको चेक कर सकते हो, या तो रात के टाइम पर, या फिर आप अपना रिजल्ट किसी दूसरे ब्राउजर में चेक कर सकते हो, या फिर जैसे कि मान लीजिए आप क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हो, तो आप मोजिला ब्राउजर या ओपरा मिनी ब्राउजर को भी यूज कर सकते हो। तो ब्राउजर चेंज करने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और अगर उससे भी ना हो तो आप अपना जो टाइमिंग है चेक करने की वो चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप अपना जो रिजल्ट है वो रात के टाइम पर 12 बजे रात के, या फिर 12:30 बजे या 1 बजे चेक करना, तो आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, चांसेस होते हैं, क्योंकि इतने टाइम पर बहुत कम स्टूडेंट्स रिजल्ट चेक करते हैं और ट्रैफिक भी बहुत कम होता है वेबसाइट पर, तो चांसेस होते हैं कि आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आपको वहाँ पर नहीं होगी। तो ये 2-3 सॉल्यूशन है, ये आप करके देख सकते हो। वैसे यहाँ पर रिजल्ट तो आ गया है, मैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। तो ये रिफ्रेश करके आप देख सकते हो यहाँ पर रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन आपका अगर खुल नहीं रहा है अभी पोर्टल, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो, या फिर रात के टाइम पर भी चेक कर सकते हो, या फिर मैंने जो तरीके बताए उन तरीके से भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। और आज के इस रिजल्ट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो अपडेट किया गया है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका एक भी सब्जेक्ट का रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है अभी तक, तो चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट इस अपडेट में पब्लिश किया गया होगा, क्योंकि जो लास्ट अपडेट आया था वो आया था आपका 29 सितंबर को, और उसके बाद से अभी अपडेट आया है, तो काफ़ी बड़ा अपडेट है ये। तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो जब भी पोर्टल ओपन हो जाए तब। नहीं तो इस तरह की प्रॉब्लम ये जो है ये पिछली साल भी आई थी, इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर इग्नू की वेबसाइट में आती रहती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये 2 बड़े अपडेट आज की वीडियो में मुझे आपको देने थे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बड़ी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।